तो ये वीडियो है दोस्तों रेनेसां के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि रेनेसां क्या था, इसके शुरू होने के पीछे क्या कारण थे और इसके क्या इफेक्ट्स थे, और साथ ही में हम बात करेंगे कि मेन जीनियस कौन थे इस रेनेसां के पीरियड के। और तो बिना किसी और छोड़ मोड़ के सीधे शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो रेनेसां एक सबसे पहले तो दोस्तों फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ, रीबर्थ या फिर रिवाइवल, यानी कि पुरानी चीजों का दोबारा से जन्म या फिर दोबारा से उन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाना, उस चीज को बोला जाता है रेनेसां। और रेनेसां सबसे पहले आया था इटली फ्लोरेंस में, और यहाँ जो इटली के लोग थे वो दोबारा से अपने पुराने कल्चर की ओर चले गए थे, जो था रोमन कल्चर उनका या फिर ग्रीक कल्चर उसकी ओर। तो इस रेनेसां के जो उससे पहले जो एज चल रही थी उसको बोला जाता था मिडिल एजेस, और इसमें डार्क एजेस भी बोला जाता है इसके बीच को इसको, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा लड़ाई और जो एपिडेमिक्स वगैरह जैसे कि हमारी ब्लैक डेथ जो प्लेग था वो हुए थे, तो उनके प्रभावों के बाद जब ये रेनेसा आया था इसीलिए इसको एक तरह से रीबर्थ बोला जा गया था, क्योंकि जो ग्रीक एजेस थी पुरानी एज थी बहुत वहां पर खुशहाली थी, लेकिन इन डार्क एजेस के बाद जो नया दोबारा से यूरोप अपना ठीक तरह से काम करने लग गया था उस चीज को बोला, उसके का कारण था रेनेसां। तो इसीलिए इसे रीबर्थ या रिवाइवल भी बोला जाता है। तो इसके पीछे जो मेन लोग थे जिनके वजह से ये रेनेसां कहा जाता है पॉपुलर हुआ था वो थे डांटे, पेट्रियार्क और बोकेशियो। इनकी वजह से इनकी काफी राइटिंग्स थी, और इन्होंने अपनी नॉर्मल भाषा उस समय ज्यादा प्रयोग जो किया जाता था वो लैटिन भाषा किया जाता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी खुद की भाषा जो उस समय की लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें लिखना शुरू किया, और इसी की वजह से रेनेसां की शुरुआत हुई। जैसे और इसके पीछे जो मेन कारण थे उनमें से एक कारण माना जाता है कि क्रुसेड्स, यानी कि इस क्रुसेड्स का मतलब है रिलीजियस लड़ाइयाँ, जो रिलीजन के बेसिस पे लड़ी जाए लड़ाई उसको क्रुसेड बोला जाता है। और ये क्रुसेड्स जो हुई थी वो हुई थी यूरोपियंस और मुस्लिम के बीच, और इन क्रुसेड्स की वजह से बहुत व्यापार बढ़ा था, जो लोग थे इधर उधर उनका जाना बहुत ज्यादा हो गया था, और नॉलेज जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसफर होने लग गई थी, और बहुत सी नई चीजें आने लग गई थी जिससे लोगों के जो मानसिक चेतना है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और ये एक कारण बना था रेनेसां का। और कारण थे जैसे कि उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, वहां पर जो ऑटोमैन एम्पायर का कब्जा हो गया था, और वहां पे जो यूरोपियन जो भी वहां पे क्रिश्चियन लोग थे, ग्रीक क्रिश्चियंस थे, उनको वहां पे सेफ नहीं लगता था, और उसके बाद वो वहां से उठकर जो थे पूरे यूरोप में अलग अलग जगह फैलने लग गए थे, और उन लोगों के पास थी ग्रीक नॉलेज, पुरानी नॉलेज, जिससे फिर वो लोग बहुत अफेक्ट हुए थे। जैसे कि इटली में अगर वो लोग सेटल हुए थे तो वहां पे लोगों को उन्होंने अपने आसपास रहने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से रेनेसां शुरू हुआ था। और इसके और भी कारण थे जैसे मेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी जिसे गटेनबर्ग ने बनाया था जो कि जर्मनी का रहने वाला था, और उसके बाद कैक्सटन ने इसे इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस किया था, और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत सी नई नई चीजें, नई नई किताबें, अच्छे से अच्छी किताबें बहुत ज्यादा तादाद में छपने लग गई थी, जिससे लोगों को उन्हें पढ़ने में ईजी होता था, और बाइबल को भी काफी लैंग्वेजेस में अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाने लगा था, जिससे लोगों की जो मानसिक चेतना थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वो लोग इजीली अपने जो विचार थे वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते थे। तो इसकी वजह से भी रेनेसां को आने में मदद मिली थी। और इसके बाद जो मेन थिंकर्स थे रेनेसां के, जैसे मैंने पहले बताया डांटे, पेट्रियार्क और बोकेशियो, इन लोगों ने भी रेनेसां में बहुत ज्यादा मदद किया था रेनेसां को लाने में। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके मेन इफेक्ट्स क्या हुए थे रेनेसां के। तो जब रेनेसां आया तब लोगों का लाइफ की तरफ नजरिया बदला। पहले लोग क्या सोचते थे कि ये लाइफ बिल्कुल बेकार है, यहाँ पे हम सिर्फ एक तरह से गॉड ने हमें बस झेलने के लिए भेजा इस लाइफ को, इसके बाद वाली लाइफ जो आएगी वो बहुत अच्छी होगी, हम हेवन में जाएंगे, वहां बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे। तो इस नजरिए को बदला था रेनेसां में और रेनेसां ने, और इसके बाद लोगों ने इसी लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, ना कि अगली लाइफ के बारे में। और इस रेनेसां की वजह से जो एजुकेशन थी, लिटरेचर था उस समय का, उसको भी काफी बढ़ोतरी मिली थी, और इस समय में बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर्स जैसे कि जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर, इन राइटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लगा लीजिए आप,
पॉइंट्स वगैरह स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई थी, ये सब हुआ था रेनेसां की वजह से। अगर रेनेसां ना होता तो आज हमारा जो लिटरेचर है इंग्लिश यूरोप का लिटरेचर है वो इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता था, इतना बढ़िया लिटरेचर है। और इसके बाद इंकरेजमेंट मिली थी दोस्तों साइंस को, जो भी लोग थे उनका जो टेम्पर था उनका जो दिमाग था वो साइंटिफिकली काम करने लग गया था, वो हर चीज के पीछे कारण ढूंढने लग गए थे, ना कि पहले की तरह ब्लाइंडली वो रिलीजन को फॉलो करते थे। अब जैसे कि बहुत सी थ्योरीज आई थी जो स्पेस को लेकर, जैसे कि सोलर सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा थ्योरीज आगे आने लग गई थी, जैसे कि फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो या कोपरनिकस इस समय के ही थे और उन्होंने काफी अच्छी अपनी थ्योरीज दी थी, ये हुआ था रेनेसां की वजह से। और इसका एक और कारण था दोस्तों, वो था रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट थी जिसमें उन्होंने अपनी रिलीजन को रिस्टोर करना चाहा था, जब रिलीजन काफी ज्यादा करप्ट हो चुकी थी उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तब जैसे कि चर्च जब करप्ट हो चुका था तो उस चर्च को सही किया गया था, दोबारा से उस चीज को बोला गया था रेफॉर्मेशन। तो इस रेफॉर्मेशन के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों इसके बाद, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ऐसे में लोगों का जो ध्यान था वो रेनेसां की वजह से इन मुद्दों पर भी चला गया था, जैसे कि उनके रिलीजन जब करप्ट थी तो जो उनका रिलीजियस प्रीस्ट था फॉर एग्जाम्पल, वो उनको काफी अलग से बातें बताता था अपने भले के लिए, जो लोग उसको पूछते रहे एक तरह से, उसकी हेल्प करते रहे, उसको ज्यादा से ज्यादा धन लौटाते रहे। तो इस तरह से जब लोगों ने ये रेनेसां आया और बाइबल भी काफी ज्यादा और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने लगी, तब लोग खुद समझने लगे इन सभी चीजों को, जिसकी वजह से रेफॉर्मेशन हो पाया था। अगर रेनेसां ना होता तो कहा जाता है कि शायद रेफॉर्मेशन भी ना होता। और इसके बाद इसका दोस्तों एक और इफेक्ट था ह्यूमेनिज्म। ह्यूमेनिज्म का मतलब है कि लोग अपने बारे में सोचने लगे थे, यानी कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लगे थे, और ज्यादातर जो भी वर्क्स थे उनके रिलेटेड या पेंटिंग्स थी वो ह्यूमंस के रिलेटेड होती थी। और इस समय के जो फेमस जीनियसेस हैं जिनको हम फेमस मानते हैं कि वो इस रेनेसां पीरियड के हैं, वो थे जैसे कि शेक्सपियर हो गया, जॉफ्री चौसर हो गया, गैलीलियो हो गया और जॉन मिल्टन, निकोलस कोपरनिकस। तो इसी के साथ दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।